सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 178 नंबर सेट। क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, क्या सब लिख रहा है देखिए। JNU, यहां पर J का बाबू 10 और उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन, N का बाबू 14 उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन, U का 21 उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन, सारा चीज यहां दिया हुआ है। लेटर का पोजीशन और उसके अपोजिट लेटर का पोजीशन दोनों लिखा गया है। अब आप यहां पर देखेंगे PUSA, P का बाबू 16 और उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन 11, तो 16 और 11 यहां नहीं है, यहां पर है, यहां भी है, यहां नहीं है। इसके बाद हम बात कर ले ए का, अगर तो ए का क्या होगा, ए का होगा 01 और अपोजिट लेटर का पोजीशन 26 जो कि यहां पर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सी, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। यानी कि लेटर का पोजीशन साथ ही साथ अपोजिट लेटर का पोजीशन दोनों यहां पर लिखा गया। अगला सवाल है मार्स, एम ए आर और एस, एम और जेड यानी कि प्लस 13, 13 जोड़ा गया, यहां भी 13 जोड़ा गया, यहां पर 13 घटाया गया, यहां भी 13 घटाया गया। तो देखिए समझिए, अगर आप किसी भी लेटर में जैसे कि ए है 1 नंबर पर और ए को ए के बारे में आप जानते होंगे ये 27 नंबर पर, यानी कि जेड हुआ 26, जेड के बाद फिर से ए तो यानी कि 27, अगर आप इसमें 13 जोड़ते हैं तो भी और 13 घटाते हैं तो भी लेटर एक ही आता है और वह है एन, ठीक है। तो कोई भी लेटर है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर है, अगर आप उसमें 13 ऐड करते हैं या फिर आप 13 लेस करते हैं तो लेटर वही आना है जो एक में, जो प्लस में आएगा वही माइनस में आएगा, जो माइनस में आएगा वही प्लस में आएगा। ये सिर्फ 13 के साथ होता है और किसी दूसरे के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्लस 11 करेंगे और माइनस 11 करेंगे तो सेम सेम आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम यहां पर देख रहे हैं ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए आ जाएगा बाबू एन, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। इसके बाद आर, अब आर 18 नंबर पर, यहां 13 जोड़ना आसान नहीं है, यहां पर 13 घटाना आसान है, तो क्या हो जाएगा ई, ये वाला सही है, ये वाला गलत। M है, M में 13 जोड़ना आसान है इसीलिए 26 यानी कि Z। S है, इसमें से 13 घटाना आसान है इसीलिए यहां पर F, 6 यानी कि F। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़े, फिर से बोलिए। आपने कहा ए आर एम एस है तो इसको आपने क्या कर दिया, अच्छा यही वाला यहां पर भी है तो उसी के सामने वाला यहां पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं है। चलिए अगला, बोला कि विषम को ज्ञात कीजिए, पैर हाथ आंख नाक शरीर और सिर
कलाई और उंगली, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सिचुएशन जो जो लिखा हुआ है, पैर और हाथ, ठीक है, क्या हाथ पैर एक दूसरे का अपोजिट कह सकते हैं हम लोग, हाथ और पैर को सर और एरी, ठीक है, तो इसको अपोजिट कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आंख और नाक, ये अपोजिट नहीं है, आंख और नाक जो है अपोजिट नहीं है, ये दोनों चेहरा के अंतर्गत आता है, शरीर और सिर, कलाई में उंगली नहीं, हथेली में उंगली, तो बना क्या बनाए जी आप लोग इसका, शरीर का सिर, क्यों सिर भी तो शरीर के अंतर्गत ना आता है, क्या हुआ फुल बॉडी तो है ही शरीर, हाँ, और सभी शरीर के अंग हैं जो पार्टिकुलर, हाँ सही है सही है, और सभी शरीर के अंग हैं, इसीलिए आंसर इसका तीन नंबर, यहाँ शरीर सिर है, इसके अलावा कुछ और दे देता तो ठीक रहता। अगला क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से चलिए देखते हैं। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में, वह दक्षिणावर्त, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक आदमी का चेहरा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, यहां पर उसका क्या है चेहरा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त गया कितना 90 डिग्री दिशा में, फिर 135 डिग्री बामावर्त, और बामावर्त गया बाबू 135 डिग्री, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, कितना तो बाबू 45 डिग्री, किस दिशा में तो बामावर्त दिशा में, बामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री कहां पर हुआ पश्चिम दिशा में, आंसर होगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा चार नंबर डी ऑप्शन, मिटा दें। हो गया, कोई डाउट हुई इसमें। अगला सवाल क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, क्वेश्चन में लिखा रचेल उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है, उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है, वह 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर, दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलती है, इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, पूरब की ओर 10 मीटर चलती है, अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, अंत में उत्तर की ओर जाती है और 5 मीटर चलती है, वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, 15 और 5 20 और ये वाला 20 अपोजिट डायरेक्शन को घटा देना है, घटा दिए, यहाँ पर बचा कितना ईस्ट में 10, यानी कि पूरब दिशा में 10 मीटर के दूरी पर, आंसर बाबू हो जाएगा चार नंबर डी ऑप्शन, कोई डाउट भी है, चलिए लिखिए जल्दी से मिटाएंगे। हो गया, अगला सवाल, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, सुरेश ने कहा, क्या कहा सुरेश ने, सुरेश ने कहा कि एक महिला की ओर संकेत करते सुरेश ने कहा वह मेरी बुआ की बेटी है, महिला की ओर संकेत करते सुरेश ने क्या कहा, सुरेश ने कहा वह मेरी बुआ की बेटी है, यानी कि ये जो है सुरेश के बुआ की बेटी है, यानी कि फुफेरी बहन हुई, फुआ की बेटी यानी कि फुफेरी बहन, अब बोला गया उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है, तो वह महिला जो है वह सुरेश की कौन है, तो वह महिला सुरेश की फुफेरी बहन है, आंसर बाबू दो नंबर बी ऑप्शन।
यदि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए, ये जो संख्या है इसको प्रत्येक अंक को पिछले अंक से, यानी कि 6 से पहले 5, 3 से पहले तो 2, 9 से पहले तो 8, इसी प्रकार से बदल दिया जाए, ठीक है। और फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए। एक बात अब सोचिए आप, हम इसको पहले पिछले अंक से बदलें और उसके बाद आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में तो है, इसी को क्यों ना आरोही क्रम में सेट कर लिया जाए। बदल करके सेट करने का कोई जरूरत है? आरोही क्रम ऐसे भी सेट किया जा सकता है। तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा? दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, यानी कि यहाँ 9 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा। अब 6 में से घटाइए तो क्या होगा? 5 होगा, तो आंसर क्या होगा? 5 ऑप्शन होगा बाबू। 3 नंबर दिक्कत वाले बोल लीजिए, दिक्कत है पूरा सेट किए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसे भी बन सकता है आराम से कम समय में, मिटा दें। पहले और दूसरे अक्षरों के बीच 2 तथा दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अक्षर के बीच अक्षर वर्णमाला के 3 अक्षर छूटे हुए हैं। पहले और दूसरे, अच्छा ठीक है, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच 2 अक्षर, 2 तथा दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अक्षर वर्णमाला के 3 अक्षर छूटे हुए हैं। अब किसमें है ये बताएं? चलिए ये तो नहीं है, यहाँ पर एक ही अक्षर छुटा हुआ है। अब यहाँ पर L के बाद M, उसके बाद N, उसके बाद O होता है, P, Q, R, फिर S होता है, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या लिखा है? लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, एस से श्रीनाथ बाएं से कितने नंबर पर? 7वें स्थान पर, और वेंकट दाएं से 12वां है, और भी से वेंकट है दाएं से कितने नंबर पर है? 12वें स्थान पर, हो गया। अब बोला यदि ये अपना स्थान बदल ले, यानी कि श्रीनाथ चल गया वेंकट के स्थान पर, वेंकट चले आया श्रीनाथ के स्थान पर, तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाएगा, श्रीनाथ जो है बाएं से हो जाएगा 22वें नंबर पर। कब कब होगा बाएं से 22वां? जब इसके जगह पर चले जाएगा, तो इसके जगह पर जाएगा तो बाएं से 22 हो गया, और ये कितने नंबर पर? 12 नंबर पर, यानी कि दाएं से कितना? बात समझ में आया? क्या बोला? लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, वेंकट दाएं से 12वां है, यदि ये स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ जो है उठ करके चला गया इसके जगह पर, तो अंतिम से तो अब श्रीनाथ ना 12 हो गया, अंतिम से श्रीनाथ ना 12 हो गया, और शुरू से श्रीनाथ कहाँ चला गया? 22 नंबर पर। 22 और 12 34 और माइनस 1 बराबर तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? तो कतार में कुल 33 लड़के हैं, किसी को डाउट भी है? मिटा दें। चलिए अगला सवाल, लिखा है कि कौन सबसे लंबा है? वही सबसे लंबा होगा जो किसी से भी छोटा नहीं होगा, जो किसी से भी नाटा नहीं होगा, जो किसी से भी नाटा नहीं होगा वही क्या होगा? सबसे लंबा होगा। तो हमको यहां पर जो आदमी किसी से भी छोटा या नाटा निकला उसको तुरंत आउट कर देना, और जो बच जाएगा वही आंसर होगा। चलिए, एम आर पी क्यू में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, पी सिर्फ आर से लंबा है, पी जो है सिर्फ किससे लंबा है? आर से लंबा है, यानी कि और सभी से वो छोटा है, और सभी से क्या छोटा है, तो पी भी नहीं होगा आर भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा और आर भी नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्या लिखा है? पी सिर्फ आर से लंबा है, पी जो है सिर्फ आर से लंबा है, तो इसका मतलब आर तो हुआ छोटा, आर तो पी से छोटा हो गया, तो हमको तो उसको हटा ही ना। अब पी जब सिर्फ आर से लंबा है यानी कि अन्य सभी से तो वो छोटा ही है ना,
इसका मतलब पी और आर दोनों हो गया। अब क्या है, क्यू एम से छोटा, क्यू क्या हुआ छोटा, तो बचा कौन जी एम, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एम ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। आप पढ़ करके भी आराम से बना सकते हैं। अब रहा बात, चलिए सेट कर दिया जाए, क्या लिखा है चार आदमी, एक दो तीन चार आदमी, पी सिर्फ आर से लंबा, पी जो है वो सिर्फ आर से लंबा, अन्य सभी से छोटा, क्यू एम से छोटा और क्यू जो है एम से क्या है छोटा है, तो इन सभी में सबसे लंबा कौन है एम, ठीक है। दो हजार सात का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, लिख लीजिए जिनको लिखना होगा। सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, सामान्य वर्ष में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर, सामान्य वर्ष में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। सामान्य वर्ष में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। सामान्य वर्ष में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। 2007 का कैलेंडर, 2007 में अब आप क्या करिएगा, 18-11 वर्ष जोड़ दीजिए, आ गया 2018, हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन। अब मामला यहाँ पर एक और आता है कि सर आपने अभी बोला 6 या 11 तथा 28, 6 या 11 तथा 28, इसका मतलब है कि 2007 में आप 28 जोड़िए, ये तो 2035 लाएगा ही लाएगा, ये तो सही है, लेकिन 6 या 11 का अर्थ क्या हुआ, यानी कि 6 और 11 में से कोई एक, 6 और 11 में से कोई एक, तो जी हाँ 6 और 11 में से कोई एक, तो हमको कैसे पता चलेगा कि 11 जोड़ना है कि 6 जोड़ना है, तो आप क्या करिए हमेशा 11 ही जोड़िए, 6 मत जोड़िए, हमेशा क्या जोड़िए 11 ही जोड़िए। अब जैसे कि 2001 है, इसमें मैंने 11 वर्ष जोड़ा और आ गया बाबू 2012, सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से दोहराएगा क्या, नहीं दोहराएगा, इसका मतलब मैंने क्या किया, गलती किया, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे 2001 में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे और 2007 इसका रिपीटेड ईयर होगा। यहीं अगर हम बात कर लें 2002 का, 2002 में मैंने 11 वर्ष जोड़ा, आ गया 2013, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2003 का बात कर लें, 11 वर्ष मैंने जोड़ा, आ गया 2014, कोई बात नहीं, ठीक है। 2004 का बात कर लें तो यह एक लीप वर्ष है, उसका तो कोई बात ही नहीं, लीप वर्ष में बाबू आप हमेशा 28 वर्ष जोड़िएगा तभी लीप वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। लीप वर्ष में क्या जोड़ना है 28 वर्ष। अगर हम बात कर ले फिर से 2005 का, तो बाबू इसमें 11 वर्ष जोड़िएगा, आ जाएगा 2016। बताइए 2005 का कैलेंडर सामान्य वर्ष, 2016 का कैलेंडर लीप वर्ष, क्या दोहराएगा, नहीं दोहराएगा, यानी कि हमको यहाँ पर 11 नहीं जोड़ना चाहिए था, हमको 2005 में क्या जोड़ना चाहिए 6 वर्ष जोड़ना चाहिए और 2011, ठीक है। आगे बढ़े अगला सवाल, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 17 जून, देखिए 17 का बाबू 17 हो जाएगा, जून का कोड कितना हो जाएगा 5, 1998 के लिए क्या करेंगे तो 10, बस बाबू 7 से भागा दिया, 17, 5, 22 और 10, 32, 32 में 7 से मैंने भागा दिया, शेषफल बचा 4, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, आंसर हो जाएगा इसका बुधवार। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या कर दिए, तो चलिए बाबू समझते हैं। अब मामला है सबसे पहले कि 17 का 17, जून का 5 कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर,
अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में है 12 का स्क्वायर, लास्ट में है 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जून का कोड कितना है 5 है, तो मैंने जून का कोड यहां पर 5 रखा। ये बात क्लियर है। अब यहां पर देख लीजिए जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घटा देते हैं जब लीप वर्ष आता है तब। जो मैंने तरीका बताया याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 5 का स्क्वायर 25 होता आप 025 बोलिए, 6 का स्क्वायर 36 होता आप 036 बोलिए, शुरू में 12 का स्क्वायर है, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें क्या चीज का, 1998 का मैंने 10 यहां पर कैसे लिख दिया। देखिए प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, 5 शेष दिन होता है, क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, यानी कि जितने भी लगातार 4 वर्ष होंगे उसमें बाबू 5 शेष दिन होगा ही होगा, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। अब जैसा कि बात कर ले हम 1990 जो होता है उसका शेषफल 0 आता है, 1990 का शेषफल क्या आता है 0 आता है, और उसमें मैंने 4 वर्ष जोड़ा और फिर 4 वर्ष जोड़ा यानी कि 8 वर्ष जोड़ा, तो ये 8 वर्ष के हिसाब से कितना आ गया 10 शेष दिन, प्रत्येक 4 वर्ष में 10 शेष दिन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। और किसी को डाउट है इसमें तो बोल लीजिए, बोलिए 1997 रहेगा तब 1997 का बना लेंगे क्या, आप उसी से चले जाइए 90 से हैं, ठीक है क्या, नहीं जी पहले इतना लिख लिए, रुकिए बता दे रहे हैं, इतना पहले लिख लीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, वो वाला छोड़ दीजिए, 90 वाला, 90 वाला भी हम बता देते हैं मिटा करके फिर से, ठीक है। अभी लेके चले जाते हैं, रुकिए एक मिनट मिटा दें, चलिए सबसे पहला बात कि हम आपको ये समझा दें कि 1990 कैसे लाए, ठीक है, ये भी बाबू रिपीटेड ईयर ही है। जैसे देखिए 1990 जीरो होता है, 2001 भी बाबू जीरो होता है, 2007 भी जीरो होता है, 2018 भी जीरो होता है, 2029 भी जीरो होता है, 2035 भी जीरो होता है, 2046 भी जीरो होता है, बस इतना ही रहने दीजिए, इतना से आप 200 साल तक का क्वेश्चन बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1900 से लेकर 2100 तक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं सिर्फ इतना से, ठीक है, बस समझ में आया, लिख न लो जी कलमों पर आ जाएगा कम से कम, फोटो का खींचते रहता है, अभी लिखिए लग ले। अब यहां मामला आया 1990, 2001, 2007, 2018, 2029, 2035, 2046, ये सब का शेष दिन बाबू जीरो होता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो बनाया था क्वेश्चन क्या बनाया था 1998, तो 1990 का मैंने जीरो लिया और उसमें मैंने 4 वर्ष का 5 शेष दिन, फिर 4 वर्ष का 5 शेष दिन, यानी कि 1998 तक का 10 शेष दिन मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अब आपको जो बोलना वो बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए, हाँ बोलिए, 98 का याद नहीं है, बहुत अच्छा, 2001 से चले जाइए, कहां पर 2001 से 98 आप पीछे जाना चाह रहे हैं, देखिए पीछे जाइए दिक्कत नहीं है,
लेकिन पीछे जाने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि आगे जब आप जाते हैं कितनों स्पीड में दौड़ते जाइए, देखते देखते जाते हैं, दिक्कत नहीं है। अब पीछे पीछे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस बाबू यही बात, ठीक है। डेली 10 को 12 को क्वेश्चन बनाइए इस टाइप का, पीछे जाना सीख जाइएगा ऑटोमेटिक, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? और कोई कुछ बोलिए। हाँ, अब रहा बात कि नहीं सर हमको 1998 ही जाना है, आप 90 से ट्रेन पकड़ के 98 के पास चले आइए। आखिर में फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी तो आपको इतने स्टेप करना पड़ेगा, 2001 से 98 3 साल जाने में आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, और ऐसे में 2 बार, तो 3 बार लिखना आसान है कि 2 बार, वो आप सोच लीजिए, ठीक है। और आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ना ना बोल तो रहे थे, ये भूल गया। हाँ जी मैटर होता, हम बता रहे हैं, हमको आता। हाँ जी वो वाला ये वाला होता है, तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल लिखना है। इस सब को लिखने के बाद 7 से भागा देना, यही ना, इसी का शॉर्ट रूप है वो। इस वाला को बस बाबू, अंतर क्या है ना, किताब में ये लिखा हुआ है कि शॉर्टकट है, मुझे ये लगता है कि ये लॉन्ग है, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि लॉन्ग है। और हम इसी मेथड को अपडेट करके वो वाला मेथड बनाए हैं जो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट, ठीक है। आप देख लीजिए तारीख माह का कोड, और ये इतना सारा जो कैलकुलेशन करने में जो जितना टाइम आपको लगेगा ना, वो सब चीज के लिए उधर, ठीक है। इससे बहुत आसान है वो, बस अंतर क्या है ना कि सर हमको आदत है ऐसा बनाने का, वैसा बनाने का आदत नहीं, बस अंतर इसी बात का। चलिए आगे बढ़िए। लिखा है 10:35 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? देखिए 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट, अब पता चल जाएगा 10:35 होने पर। तो 30 डिग्री गुने 10 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में कितना? तो बाबू 35, 300 डिग्री। 11 × 35 कर दीजिए तो बाबू 35 यहाँ बाबू 5, 8 और 3, 385 में दीजिए 2 से भागा, यानी कि 150 इधर हो गया, इसका बाबू 42.5 डिग्री इधर होगा, 192.5 डिग्री। घटा दीजिए कितना आएगा जी, 107, 6.5 ना, नहीं 7.5, 107.5 डिग्री। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, 107.5 डिग्री। दिक्कत वाले बोल लीजिए, अपना अपना मिटा दें। लिखा है क्वेश्चन में, ये दिखता है जी, यही दिख रहा है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 12:45 बजे जैसा समय दिखाई देता है, बहुत अच्छा, तो वास्तविक समय क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है, और हमको 12:45 का समय वास्तविक दर्पण में देखना है, 12 बजे में से, सॉरी यहां पर बोला है कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा जब कर दे
ध्यान से, दर्पण के सामने उल्टा कर दे तो आप दर्पण वाला नियम ना लगाएं, आप पानी वाला, वाटर वाला, जल वाला नियम लगाइए। कौन वाला नियम लगाइए? जल वाला, ठीक है। और अगर प्रश्न में जल के सामने उल्टा कर दे तब बाबू आप कौन सा लगाइए? दर्पण वाला। अगर दर्पण के सामने गाड़ी को उल्टा कर दे तो जल वाला नियम लगाना है, और जल के सामने दर्पण, जल के सामने गाड़ी को उल्टा कर दे तो दर्पण वाला नियम लगाना है, याद रख लिए। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला, दर्पण के सामने उल्टा तो बाबू नियम लगाइए जल वाला। 18:30, 12:45। अब दिक्कत होगा घटाने में, आप 18:30 को 17:90 भी लिख सकते हैं, और 12:45 आराम से घटाइए, 90 में से 45 गया तो 45, यहाँ पर बाबू कितना, 17 में से 12 गया तो 5, 5:45 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू 2 बी ऑप्शन। जो बोलना है आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलिए, दर्पण में, हाँ 11:60 से या 12 में से, दोनों वही है, मिटा दें। अगला सवाल है, PQRST में कौन सबसे लंबा है? बहुत अच्छा, तो PQ से लंबा है, P Q से लंबा है, T सबसे लंबा नहीं, PQ से लंबा है, बहुत बढ़िया, PQ से लंबा है, T सबसे लंबा नहीं है, नहीं है तो कोई और होगा, RP से लंबा है, RP से लंबा है, S सबसे लंबा नहीं, चलिए ये भी बढ़िया बात है। अब हमने देखा कि जब दोनों से अलग अलग से तो बना नहीं, अब सेम सेम दोनों के मिला देते हैं तो टी बोल रहा हम सबसे लंबा नहीं है, एस बोल रहा हम सबसे लंबा नहीं। अब बचा पी क्यू आर में से, आप देख लीजिए पी या क्यू, पी के नीचे क्यू, तो यानी कि सबसे लंबा कौन, आर, यानी कि दोनों एक साथ मिल करके हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों एक साथ मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए, यासीर का जन्म किस दिन हुआ था? यासीर का जन्म किस दिन हुआ था ये हमारा सवाल है, तो चलिए यासीर के पास पहुंचते हैं। वह वर्ष 2005 और 2011 के बीच पैदा हुआ था, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत साल है। 29 फरवरी 2012 को वह 4 की आयु पूरा कर लेगा, इसका मतलब है कि उसका जन्म 2008 में हुआ था। तारीख कौन सा? 29 फरवरी, और अकेला यही काफी है, हमको इसका जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बाबू 29 फरवरी 2012 को वह 4 का हो जाएगा, तो 2012 में से 4 घटा दीजिए, हो गया 29 फरवरी 2008 निकल गया, तो उसका जरूरत कहाँ है कि 2005 या 2011 के बीच में है कि नहीं, हमको उसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन केवल 2 पर्याप्त। अब मामला आया कि सर अगर 1 से पता चल जा रहा, कहीं से भी पता नहीं चल रहा बिना 2 के मदद से, 5 और 11 के बीच में 6, 7, 8, 9, 10 होता है, कहीं से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 पर्याप्त है, कोई दिक्कत, मिटा दें। निशांत का राजा से क्या संबंध है? निशांत का राजा से संबंध पूछा जा रहा है जी, चलिए बताइए। राजा रमेश का पुत्र है, राजा
राजा रमेश का पुत्र है जिसकी पुत्री निशांत की माता है। राजा रमेश का पुत्र है, राजा रमेश का पुत्र है जिसकी पुत्री, जिसकी पुत्री मतलब किसकी पुत्री, रमेश की पुत्री, जिसकी पुत्री निशांत की माता है और जिसकी पुत्री जो है माँ है किसकी, तो निशांत की। निशांत का राजा से क्या संबंध है, तो निशांत है बाबू भांजा, राजा है मामा, ठीक है, मामा और भांजा का रिश्ता है, ये एक से हमको पता चल गया। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट भी इसमें? अगला सवाल अब हम इसमें देखेंगे, रमेश राजा का पिता, रमेश कौन है जी, पिता है राजा का, रमेश राजा का पिता और निशांत का ग्रैंडफादर, और रमेश जो है निशांत का ग्रैंडफादर, निशांत का ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना, तो इसका भतीजा हो सकता है, इसका बेटा हो सकता है, इसका भांजा हो सकता है, इससे क्लियर नहीं है, यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला एक पर्याप्त है, ऑप्शन एक नंबर। किसी को डाउट भी है, क्या बचे, गड़बड़ा गया क्या, दोनों से मदद ले लिए थे, चलिए आगे बढ़े। ए बी सी डी ई एक परिवार के सदस्य हैं, दो पिता दो पुत्र तीन, दो पिता दो पुत्र दो पत्नी तीन पुरुष दो स्त्रियां, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है या वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, ई पुरुष नहीं है ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, परिवार में तीन सबसे कम उम्र सॉरी का परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है, बी एक पुरुष है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखते हैं हम लोग दो पिता दो पुत्र। सबसे पहला इसका बेटा पिता, इसका पिता दो पिता, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, तो दो बेटा, समझ में आ रहा है। पुरुष को हम यहां लिख दे रहे हैं, पुरुष को हम यहाँ प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं और स्त्री को हम यहाँ पर बाबू माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। पुरुष पुरुष पुरुष, तो क्या क्या निकल गया, दो पिता दो पुत्र, अब है दो पत्नी, ये बाबू पत्नी, शादीशुदा जोड़ा ही पत्नी, दो पत्नी, तीन पुरुष और दो स्त्री, तीन पुरुष और दो स्त्री, ठीक है अभी तक। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, चलिए बहुत बढ़िया, अध्यापिका वकील की पत्नी है, जो टीचर है वकील साहब की पत्नी है, और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, तो डॉक्टर ये भी हो सकता है, डॉक्टर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब लिखा ई पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी, यानी कि एक व्यवसायी भी है, एक तो क्या है व्यवसायी भी है, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, सी सबसे कम उम्र का और डी सबसे बड़ा है, और डी जो है क्या है सबसे बड़ा है, बी एक पुरुष है, बी एक पुरुष है, तो बी यहां पर, क्योंकि डी यहां पर आए क्या सबसे बड़ा में, तो बी एक पुरुष है। अब क्या हमारे पास ई पुरुष नहीं है, तो ई यहां भी हो सकता है और ई यहां भी हो सकता है, फिर बोला ई पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, ई पुरुष नहीं है तो स्त्री है, और वह स्त्री जो किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं है, तो व्यवसायी की पत्नी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां से इसको हटाइए, इसको बनाइए डॉक्टर, इसको बनाइए व्यवसायी,
तो व्यवसाय की पत्नी हो जाएगी, ये तो व्यवसाय की पत्नी नहीं है, ये वकील की पत्नी हो जाएगी। अब कौन बचा जी, ए फॉर एप्पल को यहाँ बैठा दीजिए, जिसको डाउट है वो बोल सकते हैं अभी भी। क्या तब आप दोनों में से किसी से शादी नहीं करवाइए उसका? व्यवसायी का मतलब होता है बिजनेसमैन, और ये जो डॉक्टर हुए, वकील हुए, ये सबको कहा जाता है प्रोफेशनल। ठीक है क्या? सी का शादी करा दीजिएगा, नहीं आए। प्रश्न में बोला है कि दो गो पुरुष है, दो गो स्त्री है, दो गो पत्नी है, तो ये बात तो सही है, सी का भी शादी करवा सकते हैं। और यहाँ परिवार में सी सबसे कम रुका है, डी सबसे अधिक बड़ा है, बी एक पुरुष है। हाँ जी, शादी तो सीओ का करा सकते हैं। ऐसा हमारा मन में विचार ही नहीं आ रहा है, दादा माता पिता पोता क्या बात? रुकिए ना, देख लेते हैं ना। वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, तो ये डॉक्टर का बेटा नहीं हुआ, माइयों के बेटा होता है, बापों का बेटा होता है। हाँ जी सही है, सी का तो पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको नीचे लाते हैं ए या ई किसी को भी, ठीक है, तब तो इसका बेटा ही कैसे होगा वकील, और नहीं तो इसका पत्नी को रहने देते, इसके पत्नी को मार देते हैं, नहीं तो भगा देते हैं, इसका शादी करवा देते हैं, ये हो सकता है, डाइवोर्स हो गया। नहीं आगे बढ़िए, अब लिखा है डी का ई से क्या संबंध है, तो डी जो है ई का दादा है, सॉरी ससुर है। डी का ई से क्या संबंध है? हाँ जी, डी तो ई का ससुर हो रहा है, कुछ सही में गड़बड़ कर दिए क्या जी हम? रुकिए जी, पहले क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, कुछ तो दिक्कत है, ठहर जाइए। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। अध्यापिका जो है वकील की पत्नी है और वकील जो है डॉक्टर का पुत्र है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक बात तो फाइनल, अध्यापिका वकील की पत्नी और वकील डॉक्टर का पुत्र है, ये बात तो फाइनल के बी और ई का शादी, बी वकील और टीचर का शादी हुआ है। ई पुरुष नहीं है तो स्त्री है, और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है। अच्छा फिर से एक बार, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, अध्यापिका वकील की पत्नी है, और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। वकील जो है डॉक्टर का पुत्र है, तो डॉक्टर यहां भी हो सकता है, डॉक्टर यहां भी हो सकता है, ठीक है। ई पुरुष नहीं और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, बहुत बढ़िया। परिवार में सी सबसे कम उम्र का और डी सबसे बड़ा है, तो डी सबसे बड़ा है तो डी को यहाँ रखेंगे, सी सबसे कम उम्र का सी यहाँ रखेंगे, बी एक पुरुष है तो बी एक पुरुष है तो बी को तो यहीं रखेंगे।
अब बोला है कि ई पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, ई पुरुष नहीं है, ई पुरुष नहीं है तो ई स्त्री है। अब या तो ई यहां बैठेगी या तो ई यहां बैठेगी। और ये भी बोला गया कि ई कोई पुरुष नहीं है, ई पुरुष नहीं है और ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। इसका मतलब है कि व्यवसायी का मतलब यहां से डॉक्टर और वकील से ही होगा, बिजनेसमैन से नहीं। ठीक है, अगर हम ये रखते, रुक जाइए, अगर हम ये रखते हैं कि एक वकील एक व्यवसायी है, डॉक्टर एक व्यवसायी है, तो इसका मतलब है कि ई पुरुष है, ई स्त्री है और वह वकील से शादी नहीं करेगी। वकील से शादी नहीं करेगी तो ई करेगी किससे, डी से शादी। ई एक डॉक्टर, यहां पर ये तो बचेगा ये, यानी कि डी का रोजगार के बारे में कोई जानकारी हमारे पास तब नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा लेते हैं तो रुक जाइए, देख लेते हैं पहले डी का इसे क्या संबंध है। तो डी जो है ई का पति है, सही है। समूह में स्त्री कौन कौन है, तो समूह में स्त्री जो है ए और ई है, ये भी सही है, तीन नंबर ऑप्शन। किसकी पत्नी अध्यापिका है, तो वकील यानी कि बी की पत्नी अध्यापिका है, बी की पत्नी अध्यापिका है, ये भी सही सही है यही। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। व्यवसायी का मतलब यहाँ डॉक्टर और वकील से ही है। लिखा है बाबू इसमें सबसे पहला कि पांच कैरेक्टर है, जितना समझ में है उतना तो रख लेते हैं डायरेक्ट। क्या ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, पुरुष है, स्त्री है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। सी सबसे कम उम्र का है तो यहां पर हम सी को रखेंगे। इसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि अध्यापिका एक वकील की पत्नी है या वकील एक डॉक्टर का बेटा है, तो डॉक्टर का बेटा है वकील, तो हम यहाँ पर वकील रखे। और अध्यापिका जो वकील की पत्नी है यानी कि टीचर जो है वो वकील की पत्नी है। ठीक है यहाँ तक। अब ई पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसायी की पत्नी है, डॉक्टर भी एक व्यवसायी, वकील भी एक व्यवसायी, यानी कि ई जो है ना तो डॉक्टर की पत्नी है ना ही वकील की पत्नी है। तो इसका मतलब है कि ई यहाँ पर तो नहीं आएगी। अगर ई को खुद एक डॉक्टर बना दिया जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ई डॉक्टर की पत्नी नहीं हो सकती है, ई डॉक्टर तो हो सकती है। इसके बाद परिवार में सी सबसे कम उम्र का, डी सबसे अधिक उम्र का, बी एक पुरुष है, जब डी यहां पर आ गया तो इसका मतलब बी यहीं पर आएगा। और बच्चा कौन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल को यहां लगा दीजिए। ठीक है, मिटा दें। हो गया, चलिए अगला सवाल। ट्वेंटी वन में लिखा है कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, मोबाइल घड़ी नहीं है, सभी घड़ी गणक है, सभी घड़ी क्या है, गणक है। तो कोई गणक मोबाइल नहीं है, कोई गणक जो है बाबू वह मोबाइल नहीं है, गणक मोबाइल नहीं है, गणक मोबाइल नहीं है, गणक मोबाइल नहीं है, सही कि गलत, गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि घड़ी मोबाइल नहीं है बोला, गणक को तो नहीं बोला, गणक तो मोबाइल से अटैच हो ही सकता है। कुछ गणक मोबाइल है, कुछ गणक मोबाइल है, अटैच कर देंगे तो सही, अटैच नहीं करेंगे तो गलत। यानी कि ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, आइदर बनाएगा, या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। ठीक है, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ कुर्सी लकड़ी की बनी है, कुछ मेज लकड़ी की बनी है, और कुछ मेज जो है बाबू
लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुर्सियां मेज है, गलत। सभी लकड़ी की बनी चीजें, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या मेज। अभी तत्काल तो हम सही कह सकते हैं कि सारी के सारी कुर्सी की लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होगा या क्या होगा, मेज होगा। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। अब मामला, रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब रुक जाइए। अभी अब मामला आया कि यहां पर बोला क्या चीज, सभी। यहां बोला क्या चीज, तो सभी। क्या ये सभी वाला पाठ है, तो कुछ वाला ना पाठ है। क्या ये सभी वाला पाठ है, कुछ वाला ना पाठ है, तो ये क्या है, गलत है। और ये भी क्या है, गलत है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होगा। डाउट वाले बोल लीजिए। कोई दिक्कत भी इसमें? अगला सवाल, कोई फूल पात्र नहीं है, कोई भी फूल जो है वह पात्र नहीं है, कोई पात्र वाटिका नहीं है। पात्र जो है बाबू वह वाटिका नहीं है, कोई फूल पात्र नहीं है, कोई पात्र वाटिका नहीं है। अब मामला आया यहां पर, फूल पात्र नहीं है, ये दोनों का रिलेशन नहीं, ये दोनों का रिलेशन नहीं, पात्र वाटिका नहीं, ये दोनों का रिलेशन नहीं। तो अब है कोई फूल वाटिका नहीं है, फूल वाटिका नहीं है, अभी तो बाबू सही लग रहा है। लेकिन अगर इस दोनों को हम अटैच कर दिए, क्योंकि ये दोनों को दिक्कत चल रहा है, ये दोनों को दिक्कत चल रहा है, ये दोनों को तो दिक्कत नहीं ना चल रहा है, एक से सही है एक से गलत, तो क्या होगा, गलत होगा। सभी वाटिकाएं पात्र है, सारे के सारे वाटिका क्या पात्र के अंदर है, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। कोई दिक्कत? पिछले कुछ वर्षों से आतंकी हमले की घटनाएं सतत यानी कि लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्ष से क्या हो रहा है, आतंकी हमला का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बात इसमें कहा गया। तो नंबर एक, सभी राज्यों में अप्रवासियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। देखिए यहां पर बात आ गया किसका, अप्रवासी का, अप्रवासी पर कड़ा नियंत्रण लगाना चाहिए। अब जैसे ही बात आ जा रहा बाबू आतंकी हमला, तो आतंकी हमला तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें विदेशी का हाथ है, और विदेशी का हाथ है तो वो कहीं ना कहीं अप्रवासी हुआ। अगर आप यह कहें कि जैसे भारत का समुद्री क्षेत्र बहुत ही विशाल है, थोड़ा सा तो नहीं है, अब मान लीजिए कोई किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे देश से स्टीमर से, बोट से, नाव से चला एक आध महीना पहले, धीरे धीरे मान लीजिए, किसी दूसरे भारत में किसी भी सीमा पर, हर जगह तो नौसेना नहीं पहुंचा हुआ है, हर जगह तो सेना नहीं है, हर समुद्री इलाका में सेना तो नहीं है, हर किनारे में सेना नहीं है, तो कहीं भी उतरा जा सकता है या नहीं, उतरा जा सकता है ना। जरूरी थोड़े ही है कि वो बंदरगाहे पर उतरे, बंदरगाह पर मान लीजिए चलिए पुलिस रहेगा, सेना रहेगा, वहां पर रोका जा सकता है, और किसी दूसरे जगह उतर गए तब धीरे धीरे वहां से एंट्री तो कर सकता है। तो अगर इस पर कड़ाई से पालन किया जाए, अप्रवासी पर कड़ाई से नियंत्रण लगाया जाए, तो इसके हमले में कमी आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कमी तो आएगा, और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। किसी को इसमें डाउट है बोल लीजिए। आगे बढ़े, साझे सार्वजनिक परिवहन में प्रवासियों को बैगेज ले जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, साझे परिवहन में प्रवासियों को, अप्रवासी नहीं, प्रवासी जो भारत के लोग हैं उनको, ठीक है, बैगेज ले जाने की छूट नहीं दी। तो बैगेज सब कैसे ले जाएगा फिर, अगर साधारण गाड़ी में जो सार्वजनिक परिवहन है उसके माध्यम से जो आदमी आम पब्लिक चलता है, वो अगर उसके माध्यम से अपना सामान नहीं लेकर के जाएगा, तो किसके माध्यम से लेकर जाएगा, रिजर्व करके ले जाएगा, है ये मतलब
लग रहा है ये समझदारी वाली बात होगी कभी भी, तो यह क्या है, गलत है। सबके साथ नहीं किया जा सकता ऐसा। कुछ लोग चलिए ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप उसका अच्छा से जांच कीजिए, जांच किया जा सकता है, लेकिन आप ये जो कहिएगा सामान लेकर के नहीं जाइए मेट्रो से, सामान लेके नहीं जाइए बस से, सामान लेके नहीं जाइए ऑटो से, तो कैसे लेके जाएगा आदमी? सब आदमी के पास अपना अपना हवाई जहाज थोड़े है, अपना अपना हवाई जहाज में बैठेगा, अपना अपना हवाई जहाज लेके उड़ जाएगा। फिर से बोलिए, अप्रवासी मतलब जो भारत के लोग नहीं है, और प्रवासी मतलब जो भारत के लोग हैं। क्या? अच्छा ठीक है, क्या ठीक है, हाँ ऊ बाबू देखिए यहां पर आतंकी हमला इधर से हो रहा है, बॉर्डर पर आतंकी हमला नहीं होता है। हाँ तो दूसरे दूसरे तरीके से आता है, नेपाल होकर के आता है या फिर कोई दूसरा देश। और पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो सेना का जो युद्ध, सेना से जो लड़ा, तो वो दूसरा चीज, उसको आप आतंकी हमला का नाम नहीं दीजिए। आतंक, हाँ बोलिए, एक मिनट, आतंकी हमला का मतलब बॉर्डर पर नहीं, आतंकी हमला का मतलब देश के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप घुस रहे हैं हमारे देश में, आपको गोली मार दिया पहले ही, तो हमला थोड़ी हो गया। आप उधर से गोली चला रहे हैं, हम इधर से गोली चला रहे हैं, तो उधर से देख के थोड़ी चला रहा है कि सेना चला रहा है कि आम आदमी चला रहा है, तो गोली चल रहा है, बॉर्डर पर गोली चलता है, ठीक है। अब कसाब वाला जो सिचुएशन था या हैदराबाद में जो हुआ, वो सब आतंकी हमला में आता है, ठीक है। अब आप बोलिए, उसको आतंकी हमला ने, माओवादी को आतंकवादी हमला नहीं ना कहा जाता है जी। माओवादी हमला अलग होता है, आतंकी हमला दूसरा होता है। अब आप पत्थर फेंकिए तो वो अलग चीज, पथरा हुआ उसमें कहते हैं आतंकवादी पत्थर फेंक रहा था, सुने हैं कभी लिखा गया है आतंकवादी पत्थर फेंक रहा था, ठीक है। हमारे देश में अगर कोई उपद्रव करता है उसको उपद्रवी कहा जाता, आतंकवादी नहीं कहा जाता, ठीक है। बात बुझाया, चल कुछ पुलिस कर्म, सवा चार बज गया जी। कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय पुलिस थाना के बाहर भीड़ इकट्ठा हुआ, क्यों? क्योंकि पुलिस के कर्मचारी जो है वहां आम लोगों को सताते थे, इसलिए, ठीक है। तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे, ठीक है। क्योंकि थाना के सामने में क्या हो रहा है, भीड़ लगा हुआ है, और थाना के सामने में भीड़ लगा हुआ है तो किसके अगेंस्ट में लगा हुआ है, थाना के कर्मचारी के अगेंस्ट में ही लगा हुआ है। आप उसको तितर बितर कहने जाइएगा तो बाबू गलती काम करिएगा, क्योंकि आप ही पर क्लेम है, ठीक है। क्लेम तो आप ही पर, केस तो आप ही पर दर्ज हो रहा है, गलत बात है। पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए, और यह बात क्या है, सही। पहला गलत है, दूसरा सही। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, क्या बोला? 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ये बात इसमें कहा गया। तो भारत में ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, सही बात है,
सरकार के पास सभी बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। सबसे पहला बात, ये पर्याप्त कोष का बात यह कहा किसने है? मुख्यमंत्री ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रपति ने कहा है, किसने कहा है, क्या ये बात पता है? ये बात पता नहीं। तो हमारी मांगे पूरी करो। क्या है हमारी मांगे? हमारे हमें बेरोजगारी भत्ता दो। तो आपका मांग तो ये हो सकता है कि हमको नौकरी दे दो, हमारा ज्वाइनिंग करा दो। ठीक है, आप इलिजिबल हैं तो 11,000 वैकेंसी है, जाइए उसमें फॉर्म भरिए, हो जाइएगा, सीधा बात है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार के पास बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। ये बात सही होता जब ये बात राहुल गांधी कहते कि हम जो है 2 जुलाई को सबको जो है 8,000 रुपया अकाउंट में फटाफट आ जाएगा। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो आ भी जाता, सीधा बात है। तब तो आदमी का आदमी यूपी में, बिहार में और अलग अलग जगह पर जाके लाइन में खड़ा हो गया था कि हमको मिलने वाला 8,000 रुपया, हमारा क्षेत्र का MP तो जीत गया। ठीक है, तो मिलेगा, तो मिलेगा किस बेसिस पर? आखिर उन्होंने, राहुल गांधी ने ये घोषणा किया था, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा किया था कि हाँ जी सबको 8,000 रुपया देंगे महीना का, अगर वो जीत जाएंगे तब। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते या कांग्रेस की सरकार आ जाती तो फिर मिलने का उम्मीद था कि नहीं था? था, आदमी फॉर्म भरता ही भरता, मिलता सबको तब, चाहे वो जहां से दे, अपना घर बेच के दे, जमीन बेच के दे, जहां से दे। अगर एक चीज हो जाता कि आपने जो चुनावी वादे किए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी किया हो, और वह अगर 5 साल के अंदर उसको पूरा नहीं किया तो उस पर केस हो जाता, मुकदमा चलता बढ़िया से, और जब तक वो मुकदमा खत्म नहीं होता तब तक अगला बार वो MP MLA से ना तो वो ना तो उसका सखा संबंधी कोई खड़ा हो सकता, बड़ा मजा आ जाता। लेकिन सब चुनावी वादा करता बड़ा बढ़िया से, अरे कोई साइड हो, हम तो सबके लिए बोला, हम BJP वाला कौन हमारा रिश्तेदार लग रहा है, हद है। ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही है। संस्थान के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया। क्या चीज का आवेदन किया? 2 वर्ष का विराम अवकाश का आवेदन दिया है। किसने? बहुत से कर्मचारियों ने। क्या चीज के लिए? उच्च शिक्षा के लिए। मतलब ग्रेजुएशन पर मिला है डिग्री तो हम PG PhD करना चाहते हैं, हमको 2 साल का छुट्टी दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है प्रबंध इनसे, इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को अवकाश मंजूर ना करे, क्योंकि बहुत से कर्मचारी, जब कर्मचारी 80% चल जाए तो काम के करेगा, हम अकेले से हो जाएगा नहीं ना, इसीलिए यह बात क्या है? अवकाश मंजूर ना करे, यह बात क्या है? सही है। छुट्टी मिलेगा 2-4 को मिलेगा, 1-2% को मिल सकता, सबको नहीं। हो सकता ये कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, हाँ हो सकता है, इसीलिए तो छुट्टी मांग रहा है। पहला सही, दूसरा भी सही। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए जी, कौन सा प्रतिबिंब है? दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि R आएगा सबसे पहले, ऐसे वाला। इसमें R है, इसमें भी R है, E है, सही है। यहाँ पर बाबू T है, ये वाला T गलत है, ये वाला T ठीक है, ये वाला T गलत है, ये वाला T ठीक है। 2 ऑप्शन गया, S, S, E, E, H, H, C, C, N गलत हुआ, N सही हुआ। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, कोई दिक्कत? अगला सवाल, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कौन सा आकृति इसमें लगा देंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा? ऑप्शन बाबू 4 नंबर लगा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर मोरा गया और काटा गया, अब ऐसा डिजाइन बनाना है, है ना? ऐसा डिजाइन बनाना है, तो ये जब खुलेगा तो ऐसे, ये जब खुलेगा तो ऐसे। अब ऐसा किसमें है? इसमें है। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन
चार नंबर डी ऑप्शन। क्या क्या सर्कल जब कागजे काट दिए, हम भी तो वही कह रहे हैं, जब कागज ही ना काट के हटाए हैं। नहीं समझे मेरा बात? इस सर्कल नुमा पेपर है, आप पेपर काट के हटा दिए तो आप पेंदा छोड़ दीजिएगा इस चक्कर के, नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे की कहानी कल अपने समय पर। जय हिंद।